ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने 39 फंदे लिए हैं और नीचे से इसे बेस देने के लिए 2 रॉ इसकी सीधे सीधे फंदों के साथ बुनकर निकाल ली है। आपने जब भी डिज़ाइन डालना हो, नीचे से आप जो भी बॉर्डर बनाना चाहें वो बना लें। उसके बाद देखिए ये डिज़ाइन कैसे बनेगा। ये इसकी फर्स्ट रॉ है और राइट साइड है। एस स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए आगे हम 1, 2, 3, 4 और 5 फंदे काउंट करेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, ये पांचवा फंदा ऐसे उठाएंगे और इसे 4 फंदों के ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे। देखिए धागा आगे रखेंगे और 1, 2, 3, 4 फंदे सीधे बुन लेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। फिर से देखिए 5 फंदे राइट नीडल पर लेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। ये देखिए 5 फंदे राइट नीडल पर लेंगे और इस पांचवें फंदे को उठाएंगे और इन 4 फंदों के ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे। वापस से 4 फंदे लेफ्ट नीडल पर लेकर जाएंगे, ये देखिए, और धागा पीछे ही रखना है और 4 फंदे सीधे बुन लेंगे। धागा ऐसे आगे करके ऐसे इसको सिलाई पर लपेटेंगे और जाली डालेंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे। ये देखिए हमारा डिज़ाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इसका डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। दोबारा से हम इसे यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए फिर से धागा आगे रखकर जाली डालनी है, क्योंकि हमने आगे का फंदा जो है वो सीधे बनाने हैं, इसलिए धागा आगे ही रखेंगे। या आप इसे ऐसे धागा पीछे करके ऐसे घुमाकर इसको पीछे ले जाएंगे, ऐसे भी आप इसकी जाली डाल सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकती हैं। आगे फिर से ये 5 फंदे लेंगे और ये पांचवें फंदे को उठाएंगे और 4 फंदों के ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे और 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3 और 4। धागा आगे, सेंटर का फंदा एक उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, 5 फंदे राइट नीडल पर लेंगे, 3, 4 और 5। अब ये वाला फंदा, फर्स्ट वाला फंदा उठाएंगे और 4 फंदों के ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे। वापस से इनको लेफ्ट नीडल पर लेकर जाएंगे और 1, 2, 3, 4 फंदे सीधे बना लेंगे, धागा आगे करके ऐसे घुमाकर जाली डालेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे। फिर से डिज़ाइन रिपीट करेंगे, जाली डालेंगे और 1, 2, 3, 4, 5 फंदे हैं ये वाला उठाएंगे और ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे, 1, 2, 3, 4 फंदे सीधे बुन लेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे कर लेंगे। और फिर से 1, 2, 3, 4, 5 फंदे राइट नीडल पर लेंगे और फर्स्ट फंदा उठाकर 4 फंदों के ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे। वापस से 4 फंदे लेफ्ट नीडल पर लेकर जाएंगे और इन चारों फंदों को सीधा बुन लेंगे, 2, 3 और 4। धागा आगे करके ऐसे घुमाकर जाली डालेंगे और एक फंदा उल्टा बना, लास्ट का फंदा सीधा बुनेंगे। ये देखिए फर्स्ट रॉ कंप्लीट हो गई है। सेकंड रॉ है रॉन्ग साइड। एस स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा सीधा बुन लेंगे, धागा आगे। अब 1, 2, 3, 4, 5 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक सीधा फंदा, फिर से धागा आगे और ये जाली वाला फंदा भी उल्टा ही बुनेंगे, 2, 3, 4, 5 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक सीधा फंदा, 1, 2, 3, 4, 5 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। ऐसे ही ये सारी रॉ कंप्लीट कर लेंगे, 5 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा बुनते हुए, 1, 2, 3, 4, 5, ये देखिए एक फंदा सीधा, लास्ट का फंदा उल्टा। सेकंड रॉ कंप्लीट हो गई है। थर्ड रॉ है राइट साइड।
एस स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, उल्टा फंदा है उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। ये जाली वाला फंदा हमने बढ़ाया था, इसको सीधा बुन लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे जाली डालने के लिए। अब एक दो तीन और चार फंदे हैं, चौथा फंदा उठाएंगे और तीन फंदे के ऊपर से ड्रॉप कर देंगे और जाली डालते हुए तीन फंदे सीधे बना लेंगे। अब देखिए धागा आगे, उल्टा फंदा है उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, फोर फंदे राइट नीडल पर लेंगे और फर्स्ट फंदा उठाकर तीन फंदों के ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। वापस से लेफ्ट नीडल पर लेकर जाएंगे और तीनों फंदे सीधे बना लेंगे, धागा आगे करेंगे और ये एक जाली वाला फंदा है सीधा बुनेंगे, धागा आगे ये सेंटर का फंदा है इसे उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे जाली वाला फंदा सीधा बुनेंगे। अब यहाँ से हमारा डिज़ाइन रिपीट होगा, फिर जाली डालेंगे धागा आगे करके और चौथा फंदा उठाएंगे और तीन फंदों के ऊपर से ड्रॉप कर देंगे, जाली डालते हुए तीन फंदे सीधे बना लेंगे, धागा आगे एक उल्टा फंदा, धागा पीछे फोर फंदे राइट नीडल पर लेंगे, फर्स्ट फंदा उठाएंगे और तीन फंदों के ऊपर से ड्रॉप करेंगे, वापस से तीन फंदे लेफ्ट नीडल पर और तीनों को सीधा बुन लेंगे, धागा आगे जाली डालेंगे एक फंदा सीधा, धागा आगे एक उल्टा फंदा, धागा पीछे जाली वाला फंदा सीधा। फिर से डिज़ाइन रिपीट होगा, धागा आगे करेंगे और चौथा फंदा उठाएंगे, तीन फंदों के ऊपर से ड्रॉप कर देंगे और जाली डालते हुए तीन फंदे सीधे बुन लेंगे, धागा आगे एक उल्टा फंदा, धागा पीछे फोर फंदे राइट नीडल पर लेंगे और फर्स्ट फंदा उठाएंगे और तीन फंदों के ऊपर से ड्रॉप कर देंगे, वापस से लेफ्ट नीडल पर लेंगे और तीनों फंदे सीधे बुन लेंगे, धागा आगे करके जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे एक फंदा उल्टा, लास्ट का फंदा सीधा। ये देखिए थर्ड रो कंप्लीट हो गई है, फोर्थ रो है रॉन्ग साइड। इसमें देखिए जो फंदा जैसे दिखाई दे रहा है वैसे ही बुनेंगे, फिर से पांच फंदे उल्टे एक फंदा सीधा, पांच फंदे उल्टे एक फंदा सीधा, ऐसे ही बुनते हुए सारी रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फिफ्थ रो है राइट साइड, धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब देखिए ये दो जाली वाले फंदे हैं, दोनों को सीधा बुन लेंगे, फिर से धागा आगे करेंगे जाली डालेंगे। अब एक दो तीन फंदे हैं, तीसरा फंदा ये देखिए ऐसे उठाएंगे, दो फंदों के ऊपर से ड्रॉप कर देंगे, जाली डालते हुए दोनों फंदे सीधे बना लेंगे, धागा आगे सेंटर का फंदा उल्टा उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे तीन फंदे राइट नीडल पर लेंगे और फर्स्ट फंदा उठाकर दो फंदे के ऊपर से ड्रॉप कर देंगे और दोनों फंदे सीधे बना लेंगे, धागा आगे करके जाली डालेंगे और एक दो फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे एक सेंटर का फंदा उल्टा, धागा पीछे एक दो फंदे सीधे, धागा आगे जाली डालेंगे और तीसरा फंदा उठाकर दो फंदों के ऊपर से ड्रॉप करेंगे, जाली डालते हुए दो फंदे सीधे, धागा आगे एक उल्टा फंदा, धागा पीछे देखिए तीन फंदे राइट नीडल पर लेंगे और तीसरा फंदा उठाकर दो फंदों के ऊपर से ड्रॉप करेंगे, दो फंदे सीधे बुन लेंगे, धागा आगे जाली डालेंगे और एक दो फंदे सीधे बनाएंगे, सेंटर का फंदा उल्टा, धागा पीछे दो फंदे सीधे, धागा आगे फिर से तीसरा फंदा उठाएंगे, दो फंदों के ऊपर से ड्रॉप करेंगे और दो फंदे सीधे बना लेंगे, धागा आगे सेंटर का फंदा उल्टा, तीन फंदे राइट नीडल पर, तीसरा फंदा उठाकर दो फंदों के ऊपर से ड्रॉप करेंगे और दोनों फंदे सीधे बना लेंगे, धागा आगे जाली डालेंगे और एक दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक फंदा उल्टा लास्ट का फंदा सीधा। ये देखिए हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई है, सिक्स्थ रो है रॉन्ग साइड, एक उल्टा फंदा एक सीधा, पांच फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच एक सीधा फंदा, फिर से पांच फंदे उल्टे, ऐसे ही ये सारी रो बनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए सिक्स रो कंप्लीट हो गई है, सेवन्थ रो है राइट साइड, एस स्टिच ऐसे उतारेंगे, धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये तीन फंदे जाली वाले हैं, तीनों को सीधा बुन लेंगे, धागा आगे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर दो फंदे हैं, इनको ऐसे अंदर की साइड से ऐसे जाली डालते हुए दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे सेंटर का फंदा उल्टा, धागा पीछे ये दो फंदे ऐसे टर्न करेंगे और दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे,
धागा आगे करके जाली डालेंगे और एक दो तीन फंदे सीधे धागा आगे, एक उल्टा फंदा धागा पीछे, फिर से एक दो तीन फंदे सीधे धागा आगे जाली डालेंगे और अंदर की साइड से जाली डालते ही दो का एक बनाएंगे, धागा आगे सेंटर का फंदा उल्टा धागा पीछे, दो फंदे ऐसे टर्न करेंगे और दो का एक बनाएंगे, धागा आगे करके जाली डालेंगे और एक दो तीन फंदे सीधे धागा आगे सेंटर का फंदा उल्टा, फिर से एक दो तीन सीधे फंदे धागा आगे। अब जाली डालते हुए अंदर की साइड से दो का एक बनाएंगे, धागा आगे सेंटर का फंदा उल्टा, दो फंदे टर्न करेंगे और दो का एक बनाएंगे, धागा आगे करके जाली डालेंगे और एक दो तीन फंदे सीधे, एक उल्टा फंदा धागा पीछे, लास्ट का फंदा सीधा। ये देखिए सेवन्थ रो कंप्लीट हो गई है, एट्थ रो है रॉन्ग साइड। स्टिच ऐसे उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक सीधा फंदा सीधा बना लेंगे, धागा आगे। ये देखिए तीन उल्टे फंदे हैं, इनको उल्टा बन लेंगे। अब देखिए ये जाली वाला फंदा है, इस रो में इसको हमने उल्टा नहीं बनाना है, नीचे की रो में हम इसको उल्टा बनाते आ रहे हैं सिक्स रो तक। अब इस रो में इसको हम धागा पीछे करके सीधा बुनेंगे, धागा आगे उल्टा फंदा है उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे सीधा फंदा सीधा, उल्टा फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे जाली वाला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर तीन फंदे उल्टे हैं उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे सीधा फंदा सीधा, फिर तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे जाली वाला फंदा सीधा, धागा आगे एक फंदा उल्टा है उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे एक सीधा फंदा सीधा, उल्टा फंदा उल्टा, धागा पीछे जाली वाला फंदा सीधा, धागा आगे एक दो तीन उल्टे फंदे, धागा पीछे एक सीधा फंदा सीधा, धागा आगे उल्टे तीन फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे जाली वाला फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे, सीधा फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे और जाली वाला फंदा सीधा बनाएंगे, फिर तीन फंदे उल्टे हैं ये देखिए तीनों उल्टे बनाएंगे, एक सीधा फंदा लास्ट का फंदा उल्टा। इस रो में हमने जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बनाने हैं, जो फंदा जाली वाला है सिर्फ उसको सीधा बुनेंगे, बाकी के फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बनाने हैं। अब देखिए नाइन्थ रो है राइट साइड, स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, धागा आगे करेंगे उल्टा फंदा उल्टा, धागा पीछे तीन सीधे फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे अब एक उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे। अब देखिए ये सेंटर में एक सीधा एक उल्टा एक सीधा है, ये तीसरा फंदा सीधा जो है उसे उठाएंगे, दो फंदों के ऊपर से ड्रॉप कर देंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे, ऐसे धागा घुमा के जाली डालेंगे और दूसरा फंदा भी सीधा बुन लेंगे। ये देखिए ये फंदा हमने एक ड्रॉप किया था सेंटर में जाली डाल के, फिर से एक फंदा बना दिया है, फिर जो फंदे जैसे हैं वैसे बुनेंगे, तीन सीधे फंदे एक दो तीन, एक फंदा उल्टा, फिर से एस स्टिच छोड़कर यहाँ से यहाँ तक फिर से डिज़ाइन रिपीट करेंगे। अब देखिए धागा पीछे करेंगे, तीन फंदे सीधे धागा आगे, एक फंदा उल्टा है उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, तीन फंदे हैं सेंटर में, एक फंदा उठाकर ऊपर से ड्रॉप करेंगे और एक फंदा सीधा, ऐसे धागा घुमा के जाली डालेंगे और दूसरा फंदा भी सीधा ही, फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा उल्टा बनाएंगे, एक दो तीन फंदे सीधे, फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे, एक उल्टा फंदा धागा पीछे, एक दो तीन सीधे फंदे, एक उल्टा फंदा धागा पीछे, तीसरा फंदा उठाएंगे ऊपर से ड्रॉप करेंगे दो फंदों के, एक सीधा फंदा जाली डालेंगे दूसरा फंदा भी सीधा ही, धागा आगे एक उल्टा फंदा धागा पीछे, एक दो तीन फंदे सीधे, धागा आगे एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा। ये देखिए नाइन्थ रो कंप्लीट हो गई है, टेंथ रो है रॉन्ग साइड, धागा पीछे एक सीधा फंदा, एक दो तीन फंदे उल्टे हैं उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे एक सीधा फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे फिर एक उल्टा फंदा, धागा पीछे ये जाली वाला फंदा है इसको सीधा बनाएंगे, धागा आगे एक उल्टा फंदा है उल्टा सीधा फंदा सीधा,
इस रो में सभी फंदे ऐसे ही बनाने हैं जैसे दिखाई दे रहे हैं। जो जाली वाला फंदा है उसको सीधा बुनेंगे, बाकी और कोई भी इसमें चेंजेस नहीं होगी। जो फंदे जैसे हैं वैसे ही बुनेंगे। ये देखिए, ये जाली वाला फंदा है, इसको सीधा बना लेंगे, बाकी फंदे एज इट इज़ बुनेंगे। 10th रो कंप्लीट हो गई है। 11th रो है राइट साइड एज स्टिच, एक उल्टा फंदा धागा पीछे, एक दो तीन सीधे फंदे धागा आगे, एक उल्टा फंदा उल्टा धागा पीछे, एक सीधा फंदा धागा आगे, एक उल्टा है उल्टा बुनेंगे, सीधा फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से एक उल्टा तीन सीधे। देखिए फर्स्ट का फंदा छोड़कर यहाँ तक फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे, धागा आगे, सेंटर का फंदा उल्टा, एक दो तीन फंदे सीधे धागा आगे, एक उल्टा फंदा धागा पीछे, एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा धागा पीछे, एक दो तीन फंदे सीधे, फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे, एक उल्टा फंदा, एक दो तीन सीधे फंदे धागा आगे, एक उल्टा फंदा धागा पीछे, एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन धागा आगे, एक उल्टा धागा पीछे, लास्ट का फंदा सीधा। ये देखिए 11th रो कंप्लीट हो गई है। 12th रो है रॉन्ग साइड। इस रो में जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं उनको वैसा ही बुनेंगे, जो उल्टे हैं उनको उल्टा बनाएंगे, जो सीधे फंदे हैं उनको सीधा बुनेंगे। ट्वेल्थ रो कंप्लीट हो गई है। 13th रो है राइट साइड एज स्टिच, एक उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, तीन सीधे फंदे, धागा आगे, एक उल्टा फंदा उल्टा धागा पीछे, और फिर से एक सीधा एक उल्टा एक सीधा फंदा है, सीधा फंदा उठाएंगे और दो फंदों के ऊपर से ड्रॉप करेंगे, एक फंदा सीधा जाली डालेंगे, फिर से दूसरा फंदा भी सीधा ही, फिर धागा आगे, एक उल्टा फंदा धागा पीछे, तीन सीधे फंदे। अब देखिए फर्स्ट का फंदा छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आगे पैटर्न रिपीट करेंगे, धागा आगे, एक उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे, तीन सीधे फंदे, एक दो और तीन, धागा आगे, एक उल्टा फंदा उल्टा धागा पीछे, तीन फंदे हैं, तीसरा फंदा उठाएंगे, दो फंदों के ऊपर से ड्रॉप करेंगे, एक फंदा सीधा जाली डालेंगे, दूसरा फंदा भी सीधा ही, फिर धागा आगे, एक उल्टा फंदा तीन सीधे फंदे, एक दो तीन, फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे, एक उल्टा फंदा तीन सीधे फंदे, एक दो तीन, धागा आगे, उल्टा फंदा धागा पीछे, इसको ड्रॉप करेंगे, एक सीधा फंदा जाली डालेंगे, दूसरा सीधा फंदा, धागा आगे, एक उल्टा फंदा धागा पीछे, तीन सीधे फंदे, एक दो और तीन, धागा आगे, एक उल्टा फंदा, लास्ट का फंदा सीधा। ये देखिए 13th रो कंप्लीट हो गई है। 14th रो है रॉन्ग साइड एज स्टिच, ऐसे ही उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, सीधा फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो तीन फंदे उल्टे धागा पीछे, एक सीधा फंदा सीधा उल्टा फंदा उल्टा धागा पीछे, ये जाली वाला फंदा है, इसको सीधा बुनेंगे, धागा आगे, बाकी के फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं उनको सेम वैसे ही बुनेंगे, जो उल्टा है उसको उल्टा बनाएंगे और जो सीधा फंदा है उसको सीधा बनाएंगे। जो जाली वाला फंदा है सिर्फ उसे ही हमने सीधा बुनना है, बाकी के फंदे एज इट इज़ बुनेंगे। ये देखिए जाली वाला फंदा सीधा। ये देखिए 14th रो कंप्लीट हो गई है और हमारा डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया है। अब फिर से इसकी फर्स्ट रो से हम इसे स्टार्ट करेंगे, एक बार आप देख लीजिए इसे कैसे स्टार्ट करेंगे। ये देखिए एज स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, एक उल्टा फंदा धागा पीछे करेंगे, ऐसे जाली डालते हुए पीछे लेकर जाएंगे। अब देखिए एक दो तीन चार और पाँच, पाँचवा फंदा ऐसे ही उठाएंगे और फोर फंदों के ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे, और एक दो तीन चार फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे, सेंटर का फंदा उल्टा है उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे, फाइव फंदे राइट नीडल पर लेंगे और फर्स्ट फंदा फोर फंदों के ऊपर से ड्रॉप करेंगे, वापस से लेफ्ट नीडल पर फोर फंदे लेकर जाएंगे और सभी को सीधा बुन देंगे, फिर ऐसे जाली डालेंगे और सेंटर का फंदा उल्टा, धागा लपेट कर जाली बनाएंगे,
और फिर से एक दो तीन चार और पांचवा फंदा उठाएंगे और इसके ऊपर से ऐसे ड्रॉप करेंगे और एक दो तीन चार फंदे सीधे, धागा आगे करके सेंटर का फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे, एक दो तीन चार पांच फंदे राइट नीडल पर लेंगे, फर्स्ट फंदा उठाएंगे, फोर फंदे के ऊपर से ड्रॉप करेंगे, वापस से चारों फंदे लेफ्ट नीडल पर लेकर जाएंगे और चारों फंदों को सीधा बना लेंगे, धागा आगे करके घुमाकर जाली डालेंगे, एक उल्टा फंदा, फिर जाली डालते हुए पीछे लेकर जाएंगे और पांचवा फंदा उठाएंगे, ऊपर से ऐसे ड्रॉप करेंगे, चार फंदे सीधे बुन लेंगे, सेंटर का फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे, एक दो तीन चार और पांच फंदे राइट नीडल पर लेंगे, फर्स्ट फंदा उठाएंगे, फोर फंदे के ऊपर से ड्रॉप करेंगे और इनको वापस से फोर फंदों को लेफ्ट नीडल पर लेकर जाएंगे और चारों को सीधा बना लेंगे, धागा आगे करके घुमाकर जाली डालेंगे, एक उल्टा फंदा उल्टा, धागा पीछे, सीधा फंदा सीधा। ये देखिए फर्स्ट रॉ कंप्लीट हो गई है, सेकंड रॉ जैसे हमने इसकी बनाई थी वैसे ही बुनेंगे, ऐसे ही बार बार ऊपर इसकी 14 रॉ रिपीट करते जाएंगे। ये देखिए ऐसे ही बार बार इसकी 14 रॉ रिपीट करते जाएंगे और ये हमारा डिज़ाइन ऐसे ही बनता जाएगा। और फ्रेंड अगर आप चाहें तो इस डिज़ाइन को एज ए बॉर्डर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए बॉर्डर में भी काफ़ी अच्छा लगेगा ये बनकर। ये देखिए ऐसे इसको बनाते जाएंगे और ये देखिए बनकर इस तरह से दिखेगा। तो फ्रेंड आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड।